सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम कल्की गुरुकुल में आप सभी को स्वागत है। कल्की के दिव्य उपस्थिति को बुलाते हुए अभी हम सभी प्रार्थना करेंगे। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योति नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योति नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योति नमः। धीरे से आंखें खोलिए। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्या सही है क्या गलत इसी प्रश्न में अटक जाते हैं। उसी संदिग्ध परिस्थिति में क्या करना है समझ नहीं आता है। श्री अम्मा भगवान ने कई सालों से दिए शक्तिशाली ज्ञान सूत्र आपके ऐसे दुविधा जनक परिस्थिति में आपका मार्गदर्शन कर सकता है। ऐसे श्री अम्मा भगवान ने जो भी टीचिंग्स कई सालों से दिए हैं उन टीचिंग्स को धर्मा वीडियोस के नाम पर यूट्यूब में पेश किया गया है। चलिए आज हम धर्मा 103 वीडियो में जो टीचिंग्स है उन्हें आज हम सीखेंगे। श्री कल्कि के द्वारा प्रतिदिन भौतिक चमत्कार पूरे विश्व में हो रहे हैं। हम प्रतिदिन ऐसे ही एक चमत्कार प्रस्तुत करते हैं। चमत्कार प्राकृतिक सिद्धांत का विरुद्धाचरण नहीं करते, वो उच्च सिद्धांतों के अनुयायी होते हैं। चमत्कार के उद्देश्य हैं आपके मन के चंगुल से आपको मुक्त करना। यहाँ पर श्री अम्मा भगवान के शिवमूर्ति से कैसे कुमकुम प्रत्यक्ष हुआ इस चमत्कार को देखिएगा। श्री भगवान जी के दिव्य वाणी को अभी हम ध्यान से सुनेंगे। भगवान, how is the love that we speak about is different from divine love? That if you discover that other kind of love we are talking about, that is everlasting, of course, because it is not subject to these cycles, because it is not self-based. This is self-based. Whatever is self-based will move in cycles. The yin-yang rhythm would take over. So it will go round and round. So that's why when people come and tell me, we were once in love, now we are not in love, I'll just ask them how many years, 2 years, 4 years, 7 years. Mostly it'll be 2, 4, 7, it'll be over. So it is no surprise. Of course we can do some kind of damage control. But it's gone, the charm is gone. Unless you are very mature and you can see the other person differently. Now you must find other reasons to become attached to the person. You must find some newer things in the person. Then you get a new lease of life. But the old thing is gone. Because old things will have to go, you know, the mind has got used to it. Once the mind gets used to it, it has no more interest. It just drops it. It needs continuous becoming, continuous challenges. Only then it can survive. Otherwise it cannot survive. That is the nature of the mind. And that nature has not changed for the last 2 million years. Exactly the same. Continuous becoming has to be there. Now we are talking of being, which is very different. You are caught up in the becoming mode. Just to continuously become. So you must be very adept at changing that. Now you love your wife because she is young and beautiful. Now you love her because she is wise. Then you love her because she has got money. Now you love her because she has served you. So you have to keep changing intelligently. That is how you have to manage the whole situation. Many people naturally learn these things. It comes to them very naturally. If it does not, you need help. Prashna. श्री भगवान, दिव्य प्रेम और जो प्रेम हम जानते हैं इन दोनों में अंतर आप हमें समझाइए। श्री भगवान जी ने कहा, अगर आप वो दूसरा प्रेम जो दिव्य प्रेम के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे आविष्कार करेंगे तो वो आपके साथ सदैव रहेगा। वो किसी भी प्रकार के सिद्धांत से या किसी भी प्रकार के साइकिल से सीमित नहीं होगा, क्योंकि वो मैं की भाव से उत्पन्न नहीं हुआ है। जो प्रेम आप जानते हैं
आपस में जो प्रेम के बारे में, प्यार के बारे में आप बात करते हैं, वो सेल्फ बेस्ड है, मैं की भाव से उत्पन्न हुआ प्यार। इसीलिए जब लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि एक समय था जब वो एक दूजे के लिए बहुत सारा प्यार महसूस करते थे जो अभी नहीं है, तो जब पूछा जाता है कि कितने सालों से आप प्यार में थे, 2 साल 4 साल 7 साल, उसके बाद खत्म हो गया। इसमें कोई हैरानगी नहीं, आश्चर्य भी नहीं। हाँ, हम कुछ डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं, किंतु वहाँ पर जो प्यार का एक चाम था, एक एहसास था, वो चला गया है। जब तक आप पूरी तरह से मैच्योर नहीं होते, जहाँ पर आप दूसरे व्यक्ति को अलग तरीके से देखना शुरू कर सकते हैं, तो आप तब जाकर उनके साथ अटैच होने की कारण ढूंढ सकते हैं। आप उस व्यक्ति में कुछ ना कुछ नया देखने की कोशिश करना है। वो पुराने चीज़ें जिसको आप बहुत अच्छा महसूस करके देख रहे थे, वो अभी चला गया है, तो आपको कुछ नया देखना होगा, क्योंकि पुराने चीज़ें तो चले ही जाएंगे, मन उसको लेकर अभ्यस्त हो गया है। जब कोई भी चीज़ को लेकर माइंड आदत में पड़ जाता है, तो हम उस चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं, इसीलिए वो बंद भी हो जाता है। हमारे मन को कंटिन्यूसली एक बिकमिंग की ज़रूरत है। हमारा मन मानसिक तौर से कुछ बन जाने की कोशिश में लगा रहता है, जिसके वजह से हम कंटिन्यूस चैलेंजेस को खोजते हैं, और वो चैलेंज को लेकर हम अपने मन को सर्वाइव होते हुए देखते हैं। मन को हमेशा एक बिकमिंग की ज़रूरत है, तभी वो सर्वाइव कर पाता है। मन का यही स्वभाव है, और ये स्वभाव पिछले 2 मिलियन साल से बदला नहीं है। इतने सालों से मन एक ही जैसा है, ये हमेशा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कुछ बन जाने की कोशिश में लगा रहता है। तो आप इसी बिकमिंग मोड में फंसे हुए हैं, जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ बनना है, ये बन जाओ, वो बन जाओ, कुछ देर के बाद मैं अच्छा हो जाऊँगा, कुछ देर के बाद मुझे भक्ति आ जाएगा, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, अभी कुछ ही देर में मैं और अच्छा बन जाऊँगा। हमें कुछ ना कुछ मानसिक रूप से एक टास्क रखना है, और वहाँ हम पहुँचने की कोशिश मेंटली हमारे थॉट्स में, हमारे इमोशंस में, हमारे वर्ड्स में हम करते रहते हैं, जो आप भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसे श्री भगवान यहाँ पर बिकमिंग मोड करके हमें समझा रहे हैं। अभी आप अपने पत्नी को प्यार करते हैं क्योंकि वो अभी बहुत सुंदर है, या आप उन्हें प्यार करते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे इंटेलिजेंट पर्सन है, या बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है, या उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, या वो आपको बहुत मदद करते हैं, आपकी सेवा करते हैं। तो ऐसे आपको एक दूसरे को इस मन से उत्पन्न हुआ प्रेम ही दे सकते हैं। इसीलिए नए नए कारण ढूंढना होगा ताकि आपके रिश्ता अच्छा रहे। एक दूसरे को अच्छे से फील करने के लिए आपको ऐसे नए कारण ढूंढना होगा, नए बिकमिंग में आपको जाना होगा। इसलिए आप प्यार कर रहे हैं, उसलिए आप प्यार कर रहे हैं। कई सारे लोग नेचुरली ये सभी चीज़ें अपने जीवन में सीख लेते हैं, उनको नेचुरली वो करना आ जाता है। अगर नहीं होता है तो उनको मदद की ज़रूरत है। अभी हम मुक्ति पाए हुए व्यक्ति अपने जीवन को कैसे जीते हैं देखेंगे। The awakened one lives in the present. The unawakened one lives in the past or the future. मुक्ति पाए हुए व्यक्ति वर्तमान में जीता है। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति भूत या भविष्य में रहता है। इस मन के साथ जीने वाले व्यक्ति के लिए उनका वास्तविकता यही होगा कि वो अपने अतीत में ही जीते हैं। उनके पास चार्जेस, बचपन में क्या हुआ, अतीत में क्या हुआ, उन सभी घटनाओं का प्रभाव जो बोझ बनकर उनके अंदर रह गया है, वो सब कुछ निरंतर उनके अंदर प्रवाहित होता रहता है, जिसके वजह से आप हमेशा सोचते रहते हैं। हम सभी एक सोचने वाला जीवन जी रहे हैं, जहाँ पर आपका अतीत आपके अंदर जीवित है, और वही आपके भविष्य के रूप में वर्तमान के जरिए प्रत्यक्ष हो रहा है, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि आप जिंदगी जी नहीं रहे हैं। जो इस मन के साथ जीवन को जीते हैं, वो हमेशा सोचते रहते हैं,
कुछ भी उनके मन में आ जाता है तो वो अपने अंदर उसको बहुत बढ़ा के देखते हैं, वो एग्जैजरेट करके देखते हैं, क्योंकि उनके भीतर इतना सोच चल रहा है। उदाहरण के लिए किसी का जॉब चला गया है जिसकी वजह से वो खा नहीं पा रहे, सो नहीं पा रहे, हमेशा उदास है, डिप्रेस्ड है और उनकी मायूसी बहुत दिनों तक चल रहा है। तो क्या करना होगा? ठीक है, अभी मुझे दूसरा जॉब खोजना पड़ेगा और उसके लिए आपको टैलेंट या स्किल जो भी चाहिए उसको बढ़ाना पड़ेगा, वो आपके समस्या का समाधान है। किंतु आप वो ना करते हुए बैठे बैठे चिंता में मायूस होकर बैठते हैं कि आपको बहुत सारे समस्याएं हैं और उन समस्याओं के बारे में आप बार बार सोचते रहते हैं, आपके भविष्य को लेकर आप सोचते रहते हैं। मुक्ति ना पाने के अवस्था में व्यक्ति का व्यवहार ऐसे ही रहेगा, किंतु मुक्ति जब प्राप्त करेंगे आप वर्तमान में जिएंगे, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। फंक्शनली आप जरूर सोचेंगे मगर जिस तरह से आप सोच में लगे रहते हैं दिन रात वो आपके अंदर नहीं रहता, क्योंकि आप वर्तमान में हैं। आपके लिए वास्तविकता केवल आपका वर्तमान है। अभी हम टाइमलेस इंसाइट्स को देखेंगे। There are no solutions to created problems, but real problems have solutions. Sri Bhagwan. मन द्वारा निर्मित समस्याओं का समाधान नहीं होता, लेकिन वास्तविक समस्याओं का समाधान होता है। जब बाहर की दुनिया में किसी भी प्रकार के परिस्थिति, असुविधा, समस्या या एक चुनौती को सामना करना होता है तो हम उसे रियल प्रॉब्लम, वास्तव में एक समस्या करके कहते हैं। किंतु आज आप अपने वास्तविक समस्या को डील ना करते हुए उससे आप पलायन कर रहे हैं। मन से उत्पन्न हुआ समस्याओं में आप फंसे हुए हैं। एक बार एक यूथ आए थे, वो बता रहे थे कि वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से सफर होते हैं और वो बहुत इंट्रोवर्ट और सेल्फ कॉन्शियस लड़की है और उनके कॉलेज में उनको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिले, बहुत सारे ऐसे मौका मिला जहाँ पर वो सेमिनार कंडक्ट करना, बहुत सारे प्रोजेक्ट सबमिट करना, ये सब कुछ करने के द्वारा उनका बहुत कुछ ग्रोथ हो सकता था। किंतु वो एक इंट्रोवर्ट होने के नाते वो हर एक मौका को मना करते हुए अपने जीवन में एक बहुत ही मिजरेबल डिजेक्टेड कंडीशन में रह गए। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि उनका समस्या कैसे समाधान होगा। जब वो अपने भीतर के ये समस्या को सामना किया तो उनको ये समझ में आया कि असल में उनका समस्या इंफीरियर फील करना या किसी से बात नहीं कर पाना नहीं था। जब उनको पूछा गया कि जब सेमिनार्स में आप वॉलंटियर करते हैं तो क्या होता है, तो उन्होंने कहा, लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, मुझे कुछ ना कुछ प्रश्न पूछेंगे जो शायद मुझे नहीं पता होगा, तो समाधान क्या है? जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, उन प्रश्नों को मुझे उत्तर देना होगा, मुझे ये सीखना होगा कि कैसे उन सभी प्रश्नों को मैं सही तरीके से जवाब दे सकूं, तो मुझे और ज्यादा पढ़ना होगा, अच्छे से नॉलेज गैदर करना होगा। इस व्यक्ति के वास्तविक समस्या ज्ञान का अभाव था, जहाँ पर उनको लगन के साथ, मेहनत के साथ और ज्यादा नॉलेज अर्जन करना था, किंतु वो हमेशा ही उनके अपने क्रिएटेड प्रॉब्लम, मैं सभी से मिल नहीं सकती, बात नहीं कर सकती, मुझे बहुत इन्फीरियर फील होता है, उसी समस्याओं के अंदर ऐसे वो फंसे हुए थे कि वो अपने ग्रोथ के लिए कुछ किए ही नहीं। कहीं ना कहीं क्रिएटेड प्रॉब्लम उनको अपने अपराध भाव, जो मेहनत वो कर नहीं पा रहे थे करके उनको लग रहा था, उसे अपीज कर रहा था, तो उनको सेफ फील हो रहा था। वास्तविक समस्या के लिए समाधान है, जो वो हार्डवर्क करके उसका समाधान नहीं करना चाहते, किंतु क्रिएटेड प्रॉब्लम्स के लिए समाधान नहीं है। अगले भाग में जाएंगे। जब सब खोज समाप्त हो जाती है तो शेष रह जाता है कारण रहित प्रेम। आपको हमेशा से ही यही लगता था कि अटैचमेंट जो है वो प्यार है, प्यार के चाहत, प्यार को ढूंढना, प्यार पाने की कोशिश करना, अपने प्यार के बारे में पॉजिटिव रहना, अपना प्यार खो देने की डर में रहना, ये सभी प्यार है, यही आपको लगता होगा, किंतु ये प्यार नहीं है। प्यार ढूंढने में, खोजने में, मांगने में नहीं है, या सभी मुझे प्यार करे इसमें भी प्यार नहीं है, या पॉजिटिव हो जाना, किसी के ऊपर अपना अधिकार जताना, कोई मेरे अपने है करके बोल देना, ये सभी असली प्यार से बहुत अलग है। असली प्यार में
अटैचमेंट, क्रेविंग, फियर, डर, आसक्ति, लालसा, ये सब नहीं रहेंगे। आप हमेशा से ही अपने जीवन में प्यार के अन्वेषण में हैं, सभी आपको प्यार करना है करके खोज रहे हैं। जब ये बंद हो जाएगा तो आप आपके जीवन में वो कारण रहित प्रेम को अनुभव करेंगे, जिसके लिए कोई प्रयास की जरूरत नहीं है, जो कोई कारण के वजह से या कोई शर्त के वजह से आएगा नहीं। ये अनकंडीशनल लव एक स्टेट है, एक वरदान है, एक आशीर्वाद है, जिसे आप केवल अनुभव कर सकते हैं। अगला टीचिंग देखेंगे, जहाँ पर कोई सीख नहीं वहाँ ठहराव है। ये जीवन हम सभी को सीखने के लिए कई सारे मौका देता रहता है, इसीलिए श्री अम्मा भगवान कहते हैं, लाइफ इज ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ऑल लर्निंग इज अनलर्निंग। कुछ भी सीखने के लिए सबसे पहले हमें जो भी ज्ञान है, जो भी आइडियाज है, जो भी कॉन्सेप्ट है, जो हमने इतने दिनों से हमारे मन में रखा, उसको छोड़ना होगा। आप कितना अच्छी तरह से सीख पाएंगे वो उस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना अपने पूर्व ज्ञान को या आपके परसेप्शंस को, आपके मत को छोड़ने के लिए तैयार हैं। जब आप भीतर से सुवेद्य हो जाएंगे, आपके आइडियाज को पकड़कर यही सच है, इसी को सभी को मानना है, आपकी बिलीव्स जो है उसी को पकड़कर ना बैठते हुए, नेचुरली आप हर चीज के लिए वल्नरेबल हो जाएंगे, आप हर चीज के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसे एक समय पर सीखना बहुत आसान हो जाता है और सीखना एक आनंद भरा अनुभव हो जाता है। आज तक हमने जो भी ज्ञान प्राप्ति किया है, जो भी नॉलेज आपने गैदर किया है, वो कुछ परिस्थितियों में आपको अवश्य मदद किया है, किंतु इसका ये अर्थ नहीं हमेशा के लिए आप उसी को पकड़कर बैठ जाएंगे। जब हम हमारे आइडियाज, हमारे भीतर के मत के साथ आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को, उस मैं की भाव, उन सभी धारणाओं से, मत से अपने आप को पहचानना शुरू करता है, तब वहाँ पर दुख शुरू हो जाता है। तब से आपके अंदर एक संघर्ष शुरू हो जाता है, अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपके भीतर की कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज, जो कुछ भी आपके अंदर भरे भरे हैं, ये सारे चीजें जो कि मैं की भाव का दूसरा रूप है, ये सभी आपके भीतर और भी अलाइव हो जाते हैं। आप उन सभी के जरिए अपने अस्तित्व को अनुभव करने की कोशिश करते हैं, जिसके वजह से बचे रहने की एक संघर्ष, टिके रहने की एक कोशिश आपको दुख देता है। आपके लिए वो स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल हमेशा रहता है। आज हमारे भीतर जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी हमने सीखा, जो कुछ भी हमें सही लगता है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स को जरूरत पड़ने पर हमें छोड़ने के लिए तैयार होना है। जब उसे हम छोड़ने के लिए तैयार होंगे, समर्पित करने के लिए तैयार होंगे, तो हमारे मैं की भाव जो है वो लुप्त होने का एक अवसर हम पाएंगे। अगर आप विपरीत दिशा में अपने आप को हर चीज में बचाते हुए, आपका मत, आपका आइडिया, आपका बिलीफ, आपका धारणा ही सही है, ऐसे आप अगर अपने मैं की भाव को और सशक्त करते रहेंगे, तो आपके जीवन में आप सीख नहीं सकते और वहाँ ठहराव है, आपकी ग्रोथ नहीं है, जिसके वजह से आपको हमेशा संघर्ष, दुविधा और अपने भीतर आप एक स्टैग्नेशन को अनुभव करते हैं। अभी हम सफलता का रहस्य देखेंगे। डिपेंडेंट ऑन योर मेंटल फोकस अराइजेस वर्ड्स एंड डिस्क्रिप्शंस। आपकी वाणी और विवरण आपके मानसिक केंद्र के अनुसार उत्पन्न होते हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक, सकारात्मक अनुभूतियाँ होते हैं, किंतु आपके भीतर आप कौन से प्रश्न पूछते रहते हैं, उसके ऊपर आधारित आपका लेवल ऑफ फोकस होता है और उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके जीवन में आप नकारात्मक अनुभूति प्राप्त करेंगे या सकारात्मक अनुभूति प्राप्त करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपके मन में ये प्रश्न है कि मुझे कोई प्यार नहीं करते, ऐसा क्यों है, मुझे कोई नहीं चाहते हैं, तो आपके मस्तिष्क आपके जीवन में हो रहे परिस्थितियों को इस कदर से फिल्टर कर लेगा, आपको यही लगेगा और विश्वास भी आपको हो जाएगा कि हाँ, वो तो मुझे देख के हंसे नहीं, इसका मतलब वो पसंद नहीं करते। मुझे पता था मेरे बारे में किसी ने उनका कान जरूर भरा होगा, इसीलिए वो मुझे इग्नोर करके चले गए। आप हर एक्सपीरियंस को वैसे कनेक्ट करते हुए आप अपने ही प्रश्न बार बार पूछते रहते हैं कि क्यों मेरे साथ लोग ऐसे करते हैं, क्यों मुझे पसंद नहीं करते हैं, क्यों मुझे प्यार नहीं करते हैं। आज आपके शब्द, आपके बातें कैसे हैं, देख लीजिए, परीक्षा कीजिए, क्योंकि वो सब आपके मेंटल फोकस वहां से शुरू हो रहा है, जिससे आप हमेशा बोलते रहते हैं कि मुझे कोई प्यार नहीं करते हैं,
मैं किसी के लिए इम्पोर्टेंट क्यों नहीं हूँ, इसके ऊपर गौर कीजिए। अभी हम कल्कि के चमत्कार सुनेंगे। अहमदाबाद से मैं वलसला पिल्लई हूँ। सहस्त्रनाम हवन में मैंने अपने परिवार के लिए नई कार की प्रार्थना की थी। ऐसा इसलिए कि मई सन 2020 में मेरे पति सेवानिवृत्त हुए थे और नई कार खरीदना चाह रहे थे। हम लोगों ने ये तय किया कि आधा पैसा तो अपने पास से दे देंगे और बाकी लोन ले लेंगे, पर फिर अपने पैसों को बेटी की शादी के लिए बचाकर रखना भी चाहते थे। तो अब समझ नहीं आ रहा था कि कार कैसे खरीदी जाए। धनतेरस की पूजा के बाद पैसों के लिए मैं अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट रसीदें देख रही थी। मैंने देखा श्री मूर्ति से श्री अम्मा मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और मैंने इसे उनकी तरफ से इसे मेरे लिए हरी झंडी माना। श्री अम्मा के अनुग्रह से मेरे पति की कंपनी ने उन्हें 10 लाख का लोन दे दिया और उसी शाम वो चेक घर ले आए। हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को शायद ही कंपनी लोन देती है। हमने मेरे पति की पसंदीदा टाटा नेक्सन बुक करी और उसकी डिलीवरी भी मिल गई। आपके आशीर्वाद और सहयोग के लिए असीम आभार, परम करुणामयी श्री परम ज्योति कल्कि, धन्यवाद। चमत्कार को दूसरों के साथ बांटने से हमारे जीवन में चमत्कार अधिक होंगे। अवश्य आपके जीवन में दैविक कृपा को पहचानिए और उस कृपा को पहचानते हुए कृतज्ञता व्यक्त कीजिए अपने चमत्कारों को दूसरों के साथ बांटते हुए। अभी हम आगे बढ़ेंगे सभी आंखें बंद रखते हुए। आज आपने जो भी टीचिंग सुने हैं उन्हें आप कॉन्टेम्पलेट करेंगे। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना का समय है। श्री कल्कि से अनुरोध कीजिए आज इन सभी टीचिंग्स को आपके लिए एक पर्सनल एक्सपीरियंस सेल्फ रियलाइजेशन करना है, आपके जीवन में चमत्कार प्राप्ति होना है करके प्रार्थना करेंगे। ओम श्री सर्वदेव परम करुणा परम ज्योति नमः। सर्वदेव परम करुणा परम ज्योति नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परम करुणा परम ज्योति नमः। भजन संकीर्तन में भाग लीजिए, श्री कल्कि के साथ दृढ़ बंधन के लिए प्रार्थना कीजिए। जय भगवान नाम जपो रे, श्री भगवान नाम जपो रे। कलयुग देवता जय भगवान की, कलयुग देवता जय भगवान की।
मन एक होकर नाम जपो रे, जपो रे जय भगवान नाम जपो रे, श्री भगवान नाम जपो रे, जगत के रखवाले जय भगवान की, शरण में आकर नाम जपो रे, एक नाम सत्य नाम जय भगवान की, एक नाम सत्य नाम जय भगवान की, शताब्दी भाव से नाम जपो रे, शताब्दी भाव से नाम जपो रे, जपो रे जय भगवान नाम जपो रे, श्री भगवान नाम जपो रे, सभी को धन्यवाद, नमस्कार, अम्मा भगवान शरणम।